फोर लेन में ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर होने की वजह से सुपेला, चंद्रा मौर्य और पावर हाउस चौक को बंद कर दिया गया है। एक ओर से दूसरी ओर आवाजाही करने लोगों की सुविधाओं के लिए फोर लेन में डिवाइडर बनाए गए हैं, जो दुर्घटनाओं का केंद्र बिंदु बनते जा रहे हैं। वाहन चालक सड़क से एक ओर से दूसरी ओर आने जाने जान जोखिम में डालकर डिवाइडर पार कर रहे हैं। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ये दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। फोर लेन में प्रत्येक डिवाइडर में एक यातायात कर्मी को तैनात किए जाने की जरूरत है, जिससे दुर्घटना की आशंका पर विराम लग सके। फोर लेन में ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसकी वजह से जो प्रमुख चौराहे हैं सुपेला चौक, चंद्रा मौर्य चौक प्लस पावर हाउस चौक, इसे कार्य के दौरान अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया पिछले काफी दिनों से। फोर लेन में सड़क के दोनों ओर से आवाजाही करते हुए लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस तरह से डिवाइडर यहाँ बनाए गए। ये डिवाइडर जब से बने हैं यहाँ आए दिन छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। शाम के समय स्थिति यहाँ पर और भी भयावह हो जाती है। लोग यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए डिवाइडर को पार करते हैं। इस ओर से आने वाले चाहे इस ओर से आने जाने दोनों तरफ के जो यात्री होते हैं, चाहे छोटे वाहन में हो चाहे चार पहिया वाहन में, किसी के द्वारा आगे देखा ना पीछे देखा जाता है। सिर्फ अपनी सुगम यातायात को जल्दीबाजी के चक्कर में यहाँ पे जाम की स्थिति भी निर्मित होती है, जिससे हमेशा बड़ी दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। शाम के वक्त इस डिवाइडर में अत्यधिक यातायात का दबाव अत्यधिक बढ़ने की वजह से पिछले कुछ दिनों पूर्व एक जो नवयुवक है, दो नवयुवक एक बाइक में सवार थे, दुर्घटनाग्रस्त होते होते बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त होते हुए बाल बचे हैं। यातायात पुलिस द्वारा पूरे चौक चौराहों में, हालांकि यातायात पुलिस के जवान तैनात रहते हैं, लेकिन उनके द्वारा इस जो डिवाइडर जो बने हुए हैं अस्थायी डिवाइडर, इसे उपेक्षित छोड़ दिया गया है। ना इस ओर ध्यान दिया जाता है, ना किसी तरह की स्थिति से निपटने लोगों को समझाइश देने, ना किसी तरह की पहल की जाती है। वाहन चालकों को सुविधा प्रदान करने ये प्रयास तो काफ़ी अच्छा है। फोर लेन में इस तरह के 3-4 डिवाइडर आगे भी है, चरोदा रूट में प्लस सुपेला चौक के समीप भी बनाए गए, वहाँ भी यातायात पुलिस कर्मियों को नहीं देखा जा सकता। तो यातायात प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है कि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने, हालांकि अभी इस तरह की कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ सामने नहीं आई है, लेकिन दुर्घटनाओं का अंदेशा हर वक्त बना रहता है, विशेषकर रात के समय। तो कोई बड़ी दुर्घटना हो जिससे इसके पूर्व यातायात विभाग को कम से कम एक सिपाही को यहाँ पर तैनात किए जाने की जरूरत है, जिससे लोग यातायात के नियमों का पालन करें और दुर्घटनाओं से सुरक्षित रह सकें। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे।